अहिल्या खुद भी चाहे तब भी मल्हार सरकार उसके अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये बात कौन कहता है और कौन समझता है इस पूरे वाड़े में, इन चारों रानियों में सिर्फ एक जो हरकुबाई है, वो जानती है कि मल्हार सरकार के मन में क्या है, इसलिए वो पॉइंट पे पॉइंट और बात पे बात करके अहिल्या को समझाती और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हुई नजर आती है। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अहिल्या जो है उदास है, परेशान है गौतमा के एटीट्यूड को लेके, और इसीलिए वो दरबार में मना कर देती है जाने से और सब चीजें बोलती है। यहाँ पे जब मंदिर में होते हैं तब भी अहिल्या को हरकुबाई साहब समझाती है कि कैसे अभी अभी तुमने कोशिश शुरू की है गौतमा को समझाने की। वो उबाल वाला एग्जाम्पल देती है बहुत अच्छा कि खून को उबाल आता है तो जब आंच धीरे करेंगे तो धीरे धीरे ही, तो या किसी भी चीज को उबाल आता है तो वो धीरे धीरे ही ठंडी होगी। अब तुमने आंच चालू की है तो धीरे धीरे वेट करो, ठंडी हो जाएगी आंच, क्योंकि गौतमा का एटीट्यूड बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे वो जब जाने लगती है तो तुकू जी आके वो देते हैं चेहरों की, जो चित्रकार ने बनाए हैं चेहरे वो देते हैं कि उसमें से पहचानो, और मना कर देती है अहिल्या कि मैं नहीं करूंगी, मगर तुकू जी समझाते हैं कि ये काम तो आपको करना पड़ेगा, ऐसा मल्हार सरकार ने कहा है क्योंकि आपने ये काम शुरू किया था तो आपको सब डिटेल्स पता है। तो यहाँ पे जो हरकुबाई साहब कहती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, और वो मल्हार सरकार की तरफ से कहती है, इसीलिए मैंने टाइटल में कहा कि वो चाहे भी अहिल्या तब भी मल्हार सरकार उसके अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे, क्योंकि ये बात हरकू ने समझी और अहिल्या को समझाई। वहां पे जब अहिल्या फिर भी चित्र देखती है, अनमने मन से वो करना चाहती है सब कुछ, बट अनमने मन से वो ये है कि उसको और कुछ नहीं करना है, है ना। तो वहां हरकुबाई साहब ये बताती है कि मल्हार सरकार ने बचपन में ही तुम्हारे अंदर उस रानी को देख लिया था जो मालवा की भावी रानी बनेगी और प्रजा के हित के लिए काम करेगी और इतिहास में उसका नाम दर्ज होगा, कुछ ऐसा ही कहती है। तो उसके अस्तित्व को कैसे मिटने देंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा अस्तित्व पहचाना है और ये बात सच है, हम सब ने देखा है, हम सब ने जाना है, और ये बात हरकुबाई साहब कहती है अहिल्या को। इसलिए तो मल्हार सरकार ने हरकुबाई साहब की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी, ड्यूटी लगाई थी कि आपने अहिल्या को अपनी फ्रेंड की तरह डील करना है, क्योंकि आप ही हैं जो उसको समझ सकती है मेरे बात। तो वही हो रहा है दोस्तों, तो इसीलिए चाहे कुछ भी करे अहिल्या, मगर मल्हार सरकार ने जो इतिहास के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये लड़की में दम है तो इसको मैं पीछे नहीं रहने दूंगा, तो उसको वो पूरी तरह से निभाएंगे बाय हुक और बाय क्रुक, वो किसी ना किसी तरीके से अहिल्या को दरबार के कामों में इन्वॉल्व रखेंगे, क्योंकि अहिल्या की जो भी राय है, जो भी उसकी सुझाव होते हैं वो मालवा के लिए जरूरी है, प्रजा के लिए जरूरी है। तो जब ये सब जरूरी है तो फिर कैसे मल्हार सरकार अहिल्या को दरबार से दूर रख सकते हैं और उसके अस्तित्व को मिटने दे सकते हैं, क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।